हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी को 15th अगस्त की, जिसमें हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के सबको बहुत बहुत मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स, वी हैव डन लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइसेस फॉर दिस इंडिपेंडेंस डे। ओके, सो इन दिस वीडियो व्हाट आई विल से दैट वी कैन start with few lines, okay, and we can dedicate this beautiful lines for our country and for all the soldiers who are putting their best efforts so that we all can work properly at our home, at our offices, and we can feel an environment of safe in our country. Okay, so few lines for all of them. Okay, so whenever you watch this video on the occasion of this 15th August, I will request that you can enjoy these lines and you can say wow wow in the comments also. Okay, तो कहते हैं कुछ नशा ये तिरंगे की आन का है। वाह वाह आप लिख सकते हैं, कुछ नशा ये तिरंगे की आन का है, कुछ नशा ये मातृभूमि की शान का है। कुछ नशा ये तिरंगे की आन का है, कुछ नशा ये मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। आप बिल्कुल इस बात को सीना ठोक के बोलिए, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। ओके, सो बच्चों, ये जो हिंदुस्तान है ये आप सबकी वजह से है, हम सबकी वजह से है। तो इसके गर्व में अगर हम कुछ भी कर पाएं, ठीक है, अगर आप कुछ कर पाएं तो ये बहुत बढ़िया बात होगी। देश ने बेटा सब कुछ दिया है, तो देश के लिए अगर हम कुछ कर पाएं, और ये जो हमारी सीरीज भी है फन विद फिजिक्स ओलंपियाड, उसका भी एक ही पर्पज है कि हम हमारे देश में गोल्ड लेके आ सकें। तो आप इस बात को समझिए बेटा, हमें किसी गन पे लेके, किसी गन को लेके किसी बॉर्डर पे नहीं जाना, हमें अपने देश का नाम रोशन करना है। तो वो हम इस इंडिपेंडेंस डे पे अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करें तो थ्रू VOS वेदांत ओलंपियाड स्कूल हम अपने देश का गर्व बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बड़े प्यारे ही कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और आज के क्वेश्चन आपको वाकई बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। मुश्किल नहीं है बट बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। ये सब बच्चे आप सब जानते हो, हमारे यहाँ INPHO बैच है, हमारे यहाँ NACP बैच है, बहुत कुछ करते हैं हम, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स सॉल्व करवाते हैं, पाथफाइंडर टाइप्स है ना, और प्रीवियस ईयर ओलंपियाड पेपर्स भी कराएंगे। अब तो बहुत बच्चों को पता लग ही गया है, बट इन एवरी वीडियो वी हैव सम न्यू स्टूडेंट्स। सो लेट मी टेल यू दैट देर इज ओनली वन वे टू रीच अस, एंड दैट इज दिस ईमेल आईडी physics.vos@gmail.com। सो हर वीडियो में आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस एज अ होमवर्क। So what you guys have to do, आपको उन questions को solve करना है, and you guys have to send me the subjective solutions and then I can answer your questions, okay? और इसी तरह से guys, अगर आप देखें, we have a batch of plus two and the idea is same. It means if you are from plus one, you are from plus two. The idea is same. physics.vos@gmail.com, okay? तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। आज के questions बड़े ही अच्छे हैं और आपको बहुत मजा आएगा, because मैंने ये इसीलिए choose किए because I was getting this feeling from many students, good students, that they are doing lots of mistakes in these kind of questions, okay? तो आप देखिए क्या category पे आज हम जाने वाले हैं। तो कह रहे हैं, there are two persons, they are pulling a heavy block with the help of horizontal inextensible strings, okay? So guys, there are two persons, one is pulling this string and second is pulling this string. आप देख पा रहे हैं, एक इधर खींच रहा है और एक आपका इधर खींच रहा है, there are the two strings. And the velocities between the strings are given to me as 2 meter per second and 4 meter per second. Okay, so this velocity is 2 meter per second, that velocity is 4 meter per second, and the angle between them is 60 degree. That is given to you. And the question is, angle is 60 degree between them, and the question is, what is the speed of the block? So question बहुत प्यारा है, क्या है question? है ना, आपको देख के भी मजा आएगा, sir. ये तो हमें आता है सर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है वो किस डायरेक्शन में या किस स्पीड से चल रहा होगा, आपको ये निकालना है। तो आज बच्चे सोच रहे होंगे, सर क्या कर दिया आपने, ये तो हम ओरली कर देंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? सबसे पहला थॉट, यस सर, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटीज, सो 2² + 4² + 2 × 2 × 4 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो बच्चे बड़े आराम से आंसर देंगे मुझे हंसते खेलते, सर दिस इज 4 + 16 + 16
एंड दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, आई गेस दिस इज 2² + 4² हाँ जी, cos 60 आपका सॉरी यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो प्लस दिस इज नॉट 16, दिस इज 8, एंड समबडी कैन गिव मी आंसर सर ये आपके पास कितना आ रहा है, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस इज 20, 20 प्लस 8, 28 अंडर रूट, एंड समबडी कैन से सर द आंसर इज 2√7, तो लेट मी टेल यू इफ यू डू दिस, दिस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग, ये सीरीज है फन विद फिजिक्स ओलंपियाड, तो इसमें मजाक तो नहीं होगा अगर ये सवाल आपको दिया है, तो अगर आप 2√7 आंसर दे रहे हैं मुझे तो वो आंसर आपका गलत है। तो क्वेश्चन आज का जो बिलोंग करता है ये टेक्निकली स्पीकिंग इट इज नॉट लॉज ऑफ मोशन, इट बिलोंग्स टू वेक्टर्स एंड टू द वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। सोचिए, पॉज करिए इस वीडियो को, दिमाग लगाइए और बताइए मुझे क्या आंसर हो सकता है, थोड़ा सा थॉट दीजिए। ओके, तो चलिए बच्चों, आई होप आपने ये थॉट एक दे दिया होगा, तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। गाइस मेरी इस बात को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, दिस इज नाउ 2 m/s एंड दिस इज नाउ 4 m/s, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट माई क्वेश्चन, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट इन दिस क्वेश्चन वाई दैट 2 and 4 कैन नॉट गिव मी द रिजल्टेंट इफ आई टेल यू। Okay, so I can give you an example. I have a vector A. Okay, it makes an angle theta with horizontal. Okay, understand this thing. So I have a vector A. It makes an angle theta with horizontal. So if there is a vector, this component of the vector is A cos theta. That is a vector having component along this direction. That is A cos theta. This is one component, and if you know that there is another component in y direction, if this is a cos theta, then I guess ye sabko dikh hi raha hoga, this is a sin theta. So guys, understand this thing that a cos theta and a sin theta are the perpendicular components, and perpendicular components can create original vector, है ना? A cos theta and A sin theta, like if you find the resultant will be A, okay? If you are getting me, that is the triangle law, or you can say that is the parallelogram law. So the resultant is the diagonal. So the diagonal is the original vector. So A cos theta and A sin theta, ये components original vector को create कर सकते हैं. But if the components are not perpendicular, understand this thing, like I can give you this example, I have a vector A vector, okay, so this angle is theta, so if someone takes a component in this direction, ek bachcha apna component lega is direction mein, this is a component A cos theta, and guys if someone takes a component in another direction, ek aur direction aap maan lijiye, kaun si direction le lete hain apan, ek ye koi random direction le lete hain, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट गिरेगा, लेट्स से दिस एंगल इज फाई, आप इस बात को समझिए, तो गाइस कोई और डायरेक्शन अगर मैं लूंगा तो उसमें जो कंपोनेंट गिरेगा, दैट कंपोनेंट विल बी ए कॉस फाई, एंड समवन अंडरस्टैंड नाउ दिस थिंग, ए कॉस थीटा एंड ए के कॉस फाई, अगर मैं इनका रिजल्टेंट लूंगा, दीज कंपोनेंट्स विल गिव मी another vector, the resultant of the components will give me a different vector, jo bhi ye vector hai. So guys, what I wanted to say that non-perpendicular components does not give resultant. That is the logic of the question. Believe me, बच्चों ये question ना मैंने बहुत अच्छे-अच्छे बच्चों से भी पूछा है, but वो इसमें गलती करते हैं. That 2 and 4 will not give me the net velocity. Okay, understand this thing. Why? Because this 2 m/s is a component. It is not net velocity. ये net velocity का एक component होगा इस direction में. और ये जो 4 m/s है ये भी नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, और इन कंपोनेंट्स का एंगल आपस में 60 डिग्री है, सो देयर रिजल्टेंट विल नॉट गिव मी
दैट विल गिव मी अ डिफरेंट वेक्टर, वो एक डिफरेंट वेक्टर होगा 2√7, वो ओरिजिनल वेक्टर के बराबर नहीं होगा. इट्स अ ब्यूटी इन दिस क्वेश्चन. ओके सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले वही बता दिया कि इसमें क्या मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी. अब बात आती है सर क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन में क्या करना है, तो वो तो बहुत सिंपल है. आप मान लीजिए यार, आप कुछ भी मान लीजिए, आप मान लीजिए आपका नेट वेलोसिटी ये है. Let's say this is my net velocity and it makes an angle theta with V1. Hence this angle will be 60 minus theta. So V1, V net ka jo idhar component aega, and if you will find the component in that direction, so that component will be nothing. That is V net ka cos theta component. So V net ka jo cos theta component hai, wo kiske barabar hai? That is equal to 2. Aur isi tarah bachon, jo V net ka इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, आप इस बात को समझिए, ये कंपोनेंट आपका आएगा इधर को नेट वेलोसिटी का, दैट इज व्हाट, दैट इज वी नेट इनटू कॉस थीटा, और वो जो कंपोनेंट है वो 2 के बराबर है. और एक बेटा आपका आएगा इस डायरेक्शन में, वो किसके बराबर होगा, वी नेट इनटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा. दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा 60 माइनस थीटा एंगल में. सो वी नेट कॉस 60 माइनस थीटा, और वो जो होगा वो हमारा कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा, that component is equal to 4. So guys, question solve ho gaya. Kaise solve ho gaya? V net aur theta, do variables aur do equations aapke samne hai. This is equation number 1 and that is equation number 2. Theek hai? To bachcho, question samajh pa rahe hain aap log? Question yahi pe solve ho gaya, aage bas kuch aapki calculation. So guys, fun with physics olympiad, this series has single purpose to go to the minutest and the deepest level of the concepts of fine questions so that the clarity and the understanding of the students along the subject, with the subject, increases to a maximum extent. So guys, now we can solve it. Okay, V net cos theta, jo hai wo 2 hai, aur V net cos 60 minus theta, jo hai wo 4 hai. Okay, to aage hum solve kar lete hain, koi mushkil kaam nahi hai. Main yahan solve kar deta hun. V net cos theta was 2 and V net cos of 60 minus theta was how much? That was 4. तो गाइज लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ. लेट मी एक्सपैंड दिस थिंग. और ये आई गेस सबको पता ही होगा, एक फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का, एक फॉर्मूला है. अगर आप इसे एक्सपैंड कर दें, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. ठीक है, तो अगर मैं इसको बेटा एक्सपैंड ही कर दूं, इफ आई एक्सपैंड दिस थिंग, आप देखिए इस बात को, we expand this thing, हाँ जी, तो क्या मिलेगा अपने को, we will get v net into cos 60 cos theta plus sin 60 sin theta equal to 4, v net into cos theta by 2, अगर आप इसे observe करें, cos 60 की value 1 by 2 है, okay, plus v net इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी बेटा √3/2 इंटू साइन थीटा, एंड दैट कम्स आउट टू 4. गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नेट कॉस थीटा, वी नेट से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, वी नेट कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 2 है. सो दिस इज एक्चुअली 2, सो 2 अपॉन 2 विल बिकम 1. अगर आप समझ पा रहे हो, 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, एंड दैट इज √3/2 इंटू बच्चों साइन थीटा, एंड दैट कम्स आउट टू 4. √3/2 into sin theta, guys, that comes out to be 3. और अगर आप यहाँ से इसको कट कर दें, यहाँ पे आपका √3 आ जाएगा, और sin theta, sorry, v net भी है यहाँ पे, मेरी mistake है, एक second, मैं लिख देता हूँ, this is v net, और v net आपका बाहर है, so sin theta into v net is √3. So guys, बहुत सीधी सी बात है, question लगभग पूरा solve हो गया है. मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे और हाईलाइट कर देता हूँ चीजों को. तो बेसिकली बेटा, फर्स्ट इक्वेशन वॉज वी नेट कॉस थीटा वॉज 2, एंड सेकेंड जो हमने रीअरेंज की है, दैट इज वी नेट साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 2√3. तो बेटा अगर आप सिंपली कुछ ना करें, आप स्क्वेयर करके ऐड कर दें, अगर आप समझ पा रहे हो, वी नेट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर आपका अंदर आ जाएगा, जो कि 1 बन जाएगा आपका, अगर आप समझ पा रहे हो. बेसिकली सिंप्लीफाई हो गया, तो 2√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 × 3 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब वो 4 बन जाएगा, तो दैट बिकम्स 12 प्लस 4 16, तो 16 इज इक्वल टू वी नेट स्क्वायर, एंड वी नेट कम्स आउट टू बी बच्चों 4,
मीटर पर सेकेंड। सो ओ माई गॉड बच्चों, अब चेहरे पे थोड़ा सा वो भी आना चाहिए। अच्छा 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो बेटा ये बॉक्स था, आपको एक कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकेंड दिया था, एक कंपोनेंट आपको बेटा 2 मीटर पर सेकेंड दिया था। ये जो एंगल है ये आपका कितना है 60 डिग्री। बेटा एक्चुअली में जो नेट वेलोसिटी है वो, अगर आप समझ पा रहे हो, वो यही है, वो यही है। तो क्वेश्चन में ही नेट वेलोसिटी गिवन थी, और 4 का जो कंपोनेंट गिरेगा इधर, आप इस बात को समझिए, 4 cos 60 जो होगा वो 2 होगा, आप समझ रहे हो। तो दैट कंपोनेंट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर गिवन था। कितना प्यारा सवाल है। आप यहां से भी देखिए, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो वी नेट से वी नेट कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, टैन थीटा रूट 3 आ जाएगा। और इसको अगर आप टैन थीटा को रूट 3 लिखते हैं तो थीटा आपका 60 डिग्री आता है। अब 60 डिग्री का मतलब क्या है कि जो नेट वेलोसिटी है वो वहां से पूरी की पूरी 60 डिग्री में, मतलब वो 4 ही है। तो 4 मीटर पर सेकेंड इज माई नेट वेलोसिटी। सो देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में ही आंसर गिवन है, और हम क्या बेवकूफी करेंगे, हम इसका नेट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको बहुत मजा आया होगा। ठीक है, सवाल ही कुछ ऐसा है और प्यार हो गया होगा इस क्वेश्चन से। और अब आप देखिए, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अगर मैं आपको एक और देता हूँ, सेम सवाल है, V1 V2 ठीक है, और 60 डिग्री बीच में सब कुछ गिवन है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर व्हाट रेशियो ऑफ V1 एंड V2 द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ V1। ठीक है, तो बेसिकली नाउ व्हाट वी वांट दैट दिस शुड बी V1 इज शुड बी दी नेट वेलोसिटी। तो वो चाहता है इस बार नेट वेलोसिटी V2 ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो नेट वेलोसिटी है वो आपकी V1 के अलावा है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बोलूंगा बहुत आराम से सोचिए, निकालना क्या है आपको, आपको V1 अपॉन V2 का रेशियो निकालना है। तो आराम से सोचिए, पिछले क्वेश्चन में V2 के अलोंग नेट आया, अब ऐसा क्या रेशियो लिया जाए जिससे, आप समझ पा रहे हैं, V1 के अलोंग नेट वेलोसिटी आ जाए। ठीक है, तो थॉट दीजिए, और जहां तक मुझे लगता है आप सभी ने ओरली क्वेश्चन कर ही लिया होगा। तो गाइस व्हाट वी वांट दिस एज V1 एज माय, ये V1 है और ये मैं चाहता हूं मेरी क्या हो, ये मेरी नेट वेलोसिटी हो। मतलब मैं अगर इस वेलोसिटी का, अगर मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूं, उस नेट वेलोसिटी का अगर हम उस डायरेक्शन में कंपोनेंट लें, तो वो कंपोनेंट कितना गिरेगा, वो गिरेगा V1 cos 60 एंड दैट कंपोनेंट इज V2। तो बस वही बात है, पिछली बार 4 cos 62 था, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, V1 का जो कंपोनेंट है, अगर आप क्वेश्चन में इतना डेप्थ तक डेटा क्लियर है तो फिर भी क्वेश्चन एक लाइन का है, V1 का जो cos 60 कंपोनेंट है दैट इज V1 into 1/2, दैट शुड बी इज इक्वल टू V2। एंड आई गेस वो कंपोनेंट जो है वो सेकेंड वाला V2 हो, और V1 upon V2 की जो रेशियो है वो 2 है। वो आप देखिए जरा, वो रेशियो पहले थी 2 और 4, मतलब वो रेशियो थी 1/2। तो अगर वो रेशियो 1/2 की जगह अगर 2:1 हो जाए तो बेसिकली जो नेट रिजल्टेंट है वो आपको उस तरफ लाई कर जाएगा। बच्चों मजा आया होगा, और आपको ये जानकर भी खुशी मिली होगी कि एक क्वेश्चन IIT ने पूछा हुआ है ना, JEE एडवांस ने, और बहुत बच्चे वो मिस्टेक करते हैं। लाइक ये क्वेश्चन आपने सुना होगा कि अगर आप पुलिस को दोनों तरफ यू यू से खींचे, अगर आप दोनों तरफ या IIT का JEE का सवाल अगर आप यू यू से खींचे और आपसे बेटा इस पॉइंट का वेलोसिटी पूछ लिया जाए। अब देखिए, अगर आप इसे यू से खींचेंगे तो किसी बच्चे को क्या लगेगा, सर ये धागा यू से जा रहा है, ये बिल्कुल बात सही है, ये धागा भी यू से जा रहा है, ये भी बात सही है। तो कोई बच्चा बेटा मुझे आंसर दे सकता है ना, कोई बच्चा मुझे आंसर दे सकता है, सर जो नेट वेलोसिटी होगी ना सर, वो यहाँ यहाँ आएगी, दैट इज माई नेट वेलोसिटी। तो कोई बच्चा मुझे आंसर दे सकता है, सर जो नेट वेलोसिटी होगी वो होगी यू यू के कंपोनेंट, दैट इज 2u cos थीटा, है ना। आप देखिए, अगर आप यू को तोड़ लेंगे तो इधर आ जाएगा u cos थीटा, u sin थीटा, इधर वाले यू को अगर आप तोड़ लें, ठीक है, और अगर आप उधर वाले यू को तोड़ लें तो एक और ऊपर आ जाएगा u cos थीटा एंड u sin थीटा। तो u sin थीटा कट जाएगा और जो नेट वेलोसिटी आपकी आएगी वो आएगी आपकी कितनी, दैट इज 2u cos थीटा। तो कोई बच्चा ये आंसर दे सकता है, बट ये बेवकूफी मत करना। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये मेरा कंपोनेंट है, ये मेरा कंपोनेंट है,
कंपोनेंट्स आपस में टू थीटा एंगल पे हैं, 90 नहीं है, कंपोनेंट्स आर नॉट परपेंडिकुलर। सवाल समझ रहे हैं आप लोग? कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर नहीं है, हेंस देयर रिजल्टेंट विल नॉट गिव ओरिजिनल वेक्टर। तो जो ओरिजिनल वेलोसिटी होगी वो हमें नहीं मिलेगी। इस बात को आप समझिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर कैसे मिलेगी सर? नहीं मिलेगी, वो तो हो गया। फिर कैसे मिलेगी? बड़े आराम से मिल जाएगी। आप ये तो बोल सकते हैं ना, जो भी हमने किया कि वी नेट का जो कंपोनेंट गिरेगा इधर थीटा की डायरेक्शन में, वो कितना कंपोनेंट गिरेगा? वो गिरेगा वी नेट का कॉस थीटा कंपोनेंट। अगर आप समझ पा रहे हो, दैट इज वी नेट का कॉस थीटा कंपोनेंट, और वो जो कंपोनेंट है वो तो यू है। तो बिल्कुल आंसर आपका आ जाएगा, वी नेट इज यू अपॉन कॉस थीटा। तो मतलब कहने का ये है कि आईआईटी भी इस तरह के माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स को टच कर चुकी है, एंड वी हैव टू बी स्टूडेंट्स वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल वी हैंडल दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई रियली विश दैट यू गाइस लाइक दिस लेक्चर। Okay, and I was able to help you in clarifying few basic concepts of physics. Okay, and I will keep on doing it. And it is now our tradition. In every lecture, we give some homework. That is now your homework. And the idea is simple. physics.vos@gmail.com पे आप अपना हमें सॉल्यूशन लिख के भेजें। हम थोड़ा सा बेटा वी कैन टेक टाइम टू रिप्लाई बिकॉज देर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑफ स्टूडेंट्स, बट दैट इज फॉर श्योर इफ यू विल सेंड अस अ सॉल्यूशन वी विल टेक सम टाइम बट वी विल रिप्लाई यू। ठीक है, सो कीप पेशेंस दैट वे ऑल्सो, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।